राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में 16वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से आप सब विद्यार्थी डेयरी क्षेत्र में प्रशिक्षित नव युवा के रूप में जाने जाओगे और आपको देश की दूसरी श्वेत क्रांति के अग्रदूत के रूप में अपने ज्ञान और कौशल को राष्ट्र हित में समर्पित करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को नसीहत दी कि वे जॉब सीकर्स के बजाय जॉब प्रोवाइडर्स बने। दीक्षांत समारोह के दौरान बीटेक के 25, मास्टर के 145 तथा पीएचडी के 106 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। एनडीआरआई देश और दुनिया के अंदर एक विख्यात संस्थान है और डेयरी विकास में हिंदुस्तान के अंदर इस संस्थान का भारी योगदान है। कुशल मानव संसाधन तैयार करने का ये बहुत बड़ा एक प्रकार से फैक्ट्री है और इसके कारण आप देखेंगे कि पिछले 3 वर्षों में दूध के उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है और आज लगभग 270 विद्यार्थियों को जो उपाधि दी गई, जिसमें 105 तो पीएचडी के थे, फिर बीटेक के थे, तो कुल मिला जुलाकर ये देश का गौरव है ये संस्थान। और यहाँ पर आज बड़ी संख्या में छात्रों को उपाधि दी गई और देश में दूध उत्पादन का जो भविष्य है उसके निर्माण में इसकी बड़ी भूमिका है।